हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। तो आज हम दो डिजिट का डिवाइड करने वाले हैं। 41 की टेबल तो ज़्यादातर बच्चों को आती नहीं है, तो हम इसी चीज़ का डिवाइड करने वाले हैं। पहले तो हम पहली वाली समझ लीजिए, वन है ही नहीं। पहले फोर को देखेंगे हम लोग। फोर के टेबल में फोर आता है कितनी बार? वन बार। चलो यहाँ वन लिख देंगे। उसके बाद 41 को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा? 41 मल्टीप्लाई बाय 1, 41। यहाँ लिख देंगे हम 41। अब इसको माइनस कर देंगे, 5 में से 1 गया, बचे 4। चलो अब 4 के टेबल में 4 कितनी बार आता है? 1 बार। तो यहाँ हम फिर से 1 लिख देंगे। और उसके बाद हम यहाँ नीचे वाली डिजिट उतार लेंगे। अब इसको 41 को 1 से मल्टीप्लाई करना है फिर से। 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 41। उसके बाद 41, उसके बाद हम फिर से माइनस कर देंगे। 9 को 1 से माइनस करना है तो आ जाएगा 8, और फिर में से 4 गया, फिर कुछ नहीं। चलो अब हमारा 4 है, 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 2 बार। 2 बार, ठीक है। फिर हम जो है हम क्या कर लेंगे, 41 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 41 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आ गया हमारा 82। चलो 82 को 82, उसके बाद हम लोग माइनस कर देंगे। 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। 8 में से 8 गया, कुछ नहीं। ये हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको और कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं उसको भी सॉल्व करूँगी।